तो आज मैं आपको बताऊंगी पफ स्लिप बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये मैंने न्यूज़पेपर लिया है, पहले मैं इस पर ड्राफ्ट करूंगी, उसके बाद कपड़े कट करूंगी। तो जो लंबाई ली है मैंने पेपर की वो 14.5 इंच ली है। ये डबल फोल्ड है, अगर हम सिंगल करेंगे तो 29 इंच आएगा। और जो स्लीव की लंबाई लूंगी मैं, इस पीस में मैंने 7 इंच लिया है, लेकिन मैं इसको एल्बो स्लिप बनाऊंगी तो आपको बाद में बताऊंगी कितना इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने अभी फिलहाल 7 इंच लिया है। अभी जो मुझे कटिंग देनी है नीचे से 2.5 इंच, जैसे हम नॉर्मल स्लिप में गुलाई देते हैं सेम हमको उसी तरह इसकी गुलाई देनी है। ये इस तरह से आएगा और इसमें 1/2 इंच हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा गुलाई देंगे इस तरह से। तो अब जो सिलाई मार्जिन जो हम लेते हैं 1.5 इंच या 2 इंच, आप उतना छोड़ने के बाद इसकी एक्स्ट्रा गुलाई करें, तो हमारा जो ये रहेगा ये तैयार साइज रहेगा और जो ये रहेगा ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो मैं सेम ड्राफ्ट रख के क्लॉथ कट करती हूँ, सेम ड्राफ्ट रख के मैं क्लॉथ कट करती हूँ। तो मैंने ये क्लॉथ कट कर ली है सेम ड्राफ्ट रख के, और ये मैंने दूसरा कलर लिया है जो कि इसकी मैं डिजाइन डालूंगी। तो जो पफ बनेगा इस क्लॉथ का बनेगा और जो हमारी फिटिंग रहेगी वो इस क्लॉथ की रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं जो पफ डालना है हमको। ये सेंटर पॉइंट दे दिया और सेम हम सेंटर पॉइंट नीचे भी देंगे इसमें। तो ये मैंने नीचे भी सेंटर पॉइंट दे दिया, ऊपर भी दे दिया। अभी जो हम प्लेट डालेंगे वो आप इतना जितना आपका आम होल के हिसाब से आप इसमें छोड़ दें। तो मैं यहाँ पर 8 इंच छोड़ रही हूँ स्टार्टिंग से। 8 इंच छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर प्लेट डालूंगी, तो आप 8 इंच पर निशान लगा। तो नीचे से 8 इंच सेम आप दूसरी साइड में इसी तरह निशान लगा लें। तो मैंने दोनों साइड में जो कि हम प्लेट डालेंगे दोनों साइड बराबर आएगी। तो अभी हम इसमें प्लेट डालते हैं, इंच ने जो निशान लगाया वहाँ से मैं इस प्लेट को इस तरह से आप 1/2 इंच की इस तरह से लेते हुए जाएं और इसमें स्टिचिंग डाल दें, जिससे जो हमारी प्लेट है वो सेट हो जाएंगी। मैंने ये 8.8 इंच पर निशान दिया था और दूसरा भी 8 इंच पर दूसरी साइड में। तो हमारी प्लेट है इस तरह से तैयार हो गई है लग के। अभी जो हमारा नीचे का पार्ट है हम उसमें भी प्लेट डालेंगे। तो उसमें आप अपना फिटिंग के हिसाब दे दें जितना आपकी फिटिंग है। तो मैं यहाँ से 6.5 इंच ले रही हूँ, सेम 6.5 इंच में इधर भी निशान लगा दूंगी। और सेम हम यहाँ से भी प्लेट डालना शुरू करेंगे। 1/2 इंच इधर डाली थी सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पफ इस तरह से तैयार हो रहा है, हमने यहाँ पे प्लेट डाल दी। अभी जो हमने ये क्लॉथ लिया है इसका भी यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट दे देंगे और जो हमारा नीचे साइड है हम इसको फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड में इस तरह से, इसको फोल्ड कर दें। तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर देते हैं। नीचे आएगा बॉर्डर जो है और ये जो प्लेन क्लॉथ है ये ऊपर जाएगा। तो जो हमने ये सेंटर पॉइंट दिया था यहाँ पे जो कट आ रहा है ये बीच में, और इस कट जॉइंट को हम इस तरह से इसके ऊपर रख के स्टिच डालेंगे। तो अब ये देख लें जो हमारा कट आ रहा है ये जॉइंट, इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग डालें जो कि सेंटर रहेगा। तो स्लीव को मैंने सीधा रखा है, इस क्लॉथ को इसके ऊपर उल्टा रख दिया है और मैं भी इसके ऊपर स्टिचिंग डालूंगी।
मैंने ये ज्वाइंट कर दिया है, तो आप यहाँ पे स्टिचिंग डाल दें। मैं यहाँ पे एक बॉर्डर डाल रही हूँ जिससे कि हमारा इसका ब्लाउज का जो स्लीव है इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी इसके ऊपर। आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। तो मैंने ज्वाइंट के बीचों बीच इसको रख लिया है इस तरह से। जैसे मैंने वन स्टिचिंग डाल दी है तो इस तरह से ओपन है, तो आप यहाँ पे भी एक स्टिचिंग डाल दें। दोनों सिलाई डाल दी है तो ये इस तरह से आ रहा है। तो हम जब इसको फिटिंग देंगे तो ये इस तरह से आएगा। जितना आपका मोहरी है उस हिसाब से आप इसको फिटिंग दे दें, तो जो स्लीव का लुक है वो इस तरह से है। आप चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। और आप ये कुर्ती या ब्लाउज किसी में भी लगा सकते हैं। अभी स्लीव को मैंने उल्टा कर लिया, अभी इसकी फिटिंग देते हैं। तो मुझे जैसे 12 इंच है तो मैंने 6 लिया है मैंने डबल फोल्ड में। और ये चीज़ ध्यान रखें जो हमने बॉर्डर लगाया है दोनों बॉर्डर बराबर आने चाहिए। मैं दूसरा सिल्क तैयार करूंगी तो ये बनने के बाद इस तरह से आएगा। तो आप इस तरह से ब्लाउज या कुर्ती किसी में भी डिजाइनर पफ स्लीव बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।